एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां के पत्थरों को थपथपाने से आपको डमरू की आवाज सुनाई देगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के डमरू की आवाज सुनाई देती है इन खास पत्थरों को थपथपाने से। क्या है इस मंदिर का रहस्य, चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे और आप घर बैठे बैठे ही इन खास रहस्यमय और चमत्कारों से भरे मंदिरों के दर्शन कर सकें। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो चमत्कारी और रहस्यमय माने जाते हैं। पहले भी हमने ऐसे कई मंदिरों के बारे में आपको बताया है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर रहस्यमय ना कहें तो ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में मौजूद पत्थरों को थपथपाने से, यानी कि इन मंदिरों के पत्थरों पर हाथ मारने से आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देगी। आखिर ये कैसे संभव है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये एक शिव मंदिर है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। ये मंदिर देवभूमि कही जाने वाले हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है, जिसे जटोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फीट है और मंदिर का भवन निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना माना जाता है। मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहां आए थे और कुछ समय के लिए यही रहे थे। बाद में 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस नाम के एक बाबा यहां आए, जिनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर जटोली शिव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। वहीं साल 1974 में उन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी। हालांकि 1983 में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य रुका नहीं बल्कि इसका कार्य मंदिर प्रबंधन कमेटी देखने लगी। इस मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में करीब 49 साल लग गए। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा किए गए दान के पैसों से हुआ है। यही वजह है कि इसके बनने में 3 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। इस मंदिर में हर तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, जबकि मंदिर के अंदर सफटिक मणि शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फुट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित किया गया है, जो बेहद ही खास दिखने में लगता है। वहीं दोस्तों, अगर आपको हम इस खास मंदिर के रहस्य के बारे में बताएं तो ये जानकर और ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि मंदिर के पत्थरों को अगर आप अपने हाथों से थपथपाएंगे, यानी कि अपने हाथों से इस पर प्रहार करेंगे, तो आपको डमरू की आवाज सुनाई देगी। हाँ, लग रहा है ना आपको सुनने में अजीब, लेकिन दोस्तों ऐसा सचमुच होता है। तो कभी आप भविष्य में इस मंदिर में जाएं तो अपने हाथों से जरूर इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाइएगा, आपको अपने आप ही डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। लेकिन अभी भी इसका रहस्य उजागर नहीं हो पाया है कि आखिर किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया होगा। उस समय के वैज्ञानिक या फिर निर्माण कर रहे मजदूर आखिर किस तरह से इस कार्य शैली को यहाँ निर्माण में बनवा पाए होंगे, आखिर उन्होंने कैसे इसका निर्माण किया होगा, कई सारे सवाल अभी भी इस मंदिर के लिए उठते रहते हैं। कोई सोचता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन दोस्तों ऐसा सच नहीं है। आप इस मंदिर में जाएंगे और पत्थरों को बजाएंगे तो अपने आप ही डमरू की मधुर ध्वनि आपको सुनाई देने लगेगी। तो दोस्तों, कभी भी भविष्य में आपको इस खास जटोली शिव मंदिर में जाने का अवसर मिले तो इस मंदिर में अवश्य जाइएगा। और हाँ दोस्तों, सफटिक से बने शिवलिंग के दर्शन करने के बाद मंदिर की दीवारों को अपने हाथों से जरूर थपथपाना ताकि आप भी वो मंत्र मुक्त कर देने वाली ध्वनि, यानी कि डमरू की ध्वनि अपने कानों से सुन सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियोस हम रोजाना आपके लिए लाते रहें। मिलेंगे एक बार एक नए खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।